तो ये है वो बंदर जिसे कोई डर नहीं। अच्छा हाँ क्या हो गया, गंदी बात? कल भी इसने दो बार मेरा डस्टबिन खराब किया, सारा कूड़ा फेंका, अभी भी मैगी का पैकेट पता नहीं कहाँ से लगा दिया, और ये काफ़ी बूढ़ा भी हो गया है। ओह देखा आपने कैसे डरा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज है डे टू पेंट का और किचन में पेंट हो चुका है, वो बस मैं आपको दिखाता हूँ कैसा हुआ है। तो सबसे पहले तो इस व्लॉग को शुरू करता हूँ। एक पड़ोस में ये डॉग है, जब भी हम आते पता नहीं क्यों इतना भौंकता है और हमें डराता है। नो बेटा गंदी बात, पर थोड़ा सा इसको प्यार से हैंडल कर रहे तो अब थोड़ा सा सुधर भी रहा है, नहीं तो जब भी यहाँ से क्रॉस हो तो एकदम दौड़ते हुए आता है, डर लग जाता है एकदम। नो बेटा गंदी बात करी ना मार पड़ेगी। तो पेंटर्स आ चुके, अभी जा रहा हूँ मैं टॉप लेंटर, क्योंकि मुझे चाहिए एक डब्बा। अब ऑलरेडी 2-3 डब्बे दे दिए, तो जिस तरह से पेंट हर कमरे में अलग अलग है तो उनको डब्बे भी उसी हिसाब से चाहिए। तो दादी से पूछता हूँ कि कोई डब्बा मिलेगा और कि नहीं। दादी तो यहाँ पे है नहीं, पर मेरे को खुद ही देखना पड़ेगा फिलहाल। तो मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे तो कोई डब्बा मिला नहीं, तो मैंने सामने वाली दुकान से हेल्प ली है। तो यहाँ पे जो ये शॉप है हमारे नोन है, तो इनसे मैंने कहा है अगर इनके पास डब्बे मिल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी शॉप में पेंट कराया होगा। तो आपको मैंने पहले भी शॉप दिखाई थी, काफ़ी सहूलियत होगी इस शॉप से, क्योंकि अगर हमें सामान लेने छोटी सी छोटी भी आइटम होती थी तो वो इन सीढ़ियों को चढ़ के इधर ऊपर जाके मार्केट है, वहाँ पर सामान मिलता था। अब बस ये 8-10 सीढ़ियाँ चढ़ के ही दुकान खुल गई है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है। और बेनिफिशरी जो इमीडिएट बेनिफिशरीज़ है वो ये ऊपर वाले फ्लैट्स, ये सामने वाले फ्लैट्स, हमारे यहाँ आस पड़ोस के कुछ घर, तो एटलीस्ट 50-60 फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना बेनिफिट मिला इस शॉप का। तो भाभी ने पूरा ताम झाम निकाल दिया है और मेरे ख्याल से एक आध बाल्टी इनको मिल चुकी है। तो यही होता है, पड़ोस में थोड़ी बहुत मदद हो जाती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो पेंट के लिए एक बाल्टी तो मुझे मिल चुकी है, थोड़ी सी गंदी भी है, साफ़ करनी पड़ेगी। जैसे ही गेट के अंदर आया मुझे लगा एक इधर भी होना चाहिए कहीं पे, तो ये देखिए एक बाल्टी यहाँ पे भी है। तो एक फ़ायदा हो चुका है, क्योंकि दो चाहिए थी, एक मिल गई, एक ये हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको पेंट दिखा देता हूँ किचन का। तो किचन का पेंट हो चुका है, पहले पिंक था, अब थोड़ा इस कलर का करवा दिया है। आई होप अच्छा लग रहा हो, क्योंकि पहले पिंक में इतना अच्छा नहीं लगता था, पर ये वाला कलर अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और इससे क्या होता है, लाइट कलर है तो थोड़ा सा कमरा भी लाइटेड अप रहता है और एक थोड़ी इसी पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहती है। तो अभी भैया अंदर पेंट कर रहे हैं और एक भाई मेरे इस तरफ लगे हुए हैं। भैया जी, अच्छा तो आप अभी कवर्ड कर रहे हैं, तो जो ये नए कवर्स बनाए थे इसमें भी अभी पेंट होगा अंदर। और मेरे को ये दो बाल्टियाँ मिल गई है भैया जी, ठीक है ये दो। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग यार, कहाँ थे आप अभी तक? अभी तक मैं अपने, मैं आया था ऊपर, मुझे ना डब्बे चाहिए थे, और क्योंकि जैसे दूसरे पेंट करना है ना तो उसके लिए दूसरे चाहिए थे, पर मैंने कर लिया, मैंने निशा भाभी से मांगे पार से दुकान से, मैं कहा चलो इन्होंने भी पेंट करवाया होगा तो मेरे को, मैं कहा दे दो, ठीक है। और आज तो मैं और दादी ही है पूरी बिल्डिंग में, फिर वापिस करने ने लोगों को। हाँ हाँ वापिस करेंगे, हमने क्यों रखना है, ऐसा ना थोड़ा फिर जो भला करे उसका बुरा। हाँ जी हाँ जी, ये तो वापिस दूंगा मैं। हाँ, वापिस। तो आप मेरे को ये बताओ आपको कैसा लग रहा है आज, सिर्फ मैं और आप ही है पूरी बिल्डिंग में, दिव्यम भी चला गया। हाँ, लग जैसा भी लगे करना भी है, जब है जाना तो है किसी बाहर, तो अपने इसके लिए सब जाएंगे भाई, किसी काम के लिए, कोई तरक्की है कोई समय समय की बात है ना, पहले हम लोग गए थे हम वापस आ गए, अब ये लोग जाएंगे। हाँ। तो सबका जो है टाइम है, छोटे है जो सबसे छोटे दो ही है, बाकी तो बड़े हो गए सारे। ये दिव्यम सबसे छोटा था वो चला गया, अब उसने थोड़ा करना, अब चारे ने कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी के लिए सबको करना पड़ता है। तो अब सब पूछ रहे थे दिव्यम कहाँ गया है, तो दिव्यम गया है हमीरपुर। अब वो कहाँ गया है आगे हम आपको कभी और बताएंगे। तो चलो अभी ये है कि अभी थोड़ा सा वो सेटल हो जाए वहाँ पे, थोड़ा सा उसका एक स्टार्टिंग हो जाए, फिर आपको शेयर करेंगे कहाँ पे क्या है। तो आपने ब्रेकफास्ट कर दिया? ब्रेकफास्ट मैंने एक बंदो पटका लिया, अब देखेंगे और कर। आज देखते हैं अगर किचन हमारी फ्री होगी ना, वैसे पेंट तो हो चुका है, कबर्ड्स में रह गया है, तो फिर हम साफ करके किचन को चालू कर सकते हैं। वो आएंगी रंजू, तो पता नहीं कहाँ गया है। अभी वो गई है घूमने, रंजू मेरे को मिली थी। कहाँ?
वो बाजार गई अपनी फ्रेंड के साथ। हाँ तेरा तेरा। एक कमाल की बात यह है कि दो बाल्टियां जो मैं लेके आया था उसमें से एक बाल्टी नीचे से कुछ इस तरह से है, तो इसमें तो कुछ बन नहीं सकता, मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद तभी ये वहाँ नीचे रखी हुई थी। तो दादी पहुँच चुके हैं दुकान के पास, दादी का भी पता ही नहीं चलता कभी कहीं कभी कहीं, तो अभी मिलन हो रहा है दादी का, तो मुझे लगता है दादी शायद इनके घर ही जा रहे होंगे सामने। तो यार अभी मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा सामान और मंगवाया है पेंटर्स ने। आज फिर से इस दुकान के पास आ गया हूँ मैं, और अच्छी बात यह है कि अंकल अभी दुकान में ही है, नहीं तो अंकल दुकान बंद करके ना अपने ऊपर घर चले जाते हैं, फिर बुलाना पड़ता है, तो इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है, तो टाइम भी बच जाएगा मेरा। लो भैया जी, तो आपका सामान आ गया है, एक बार आप चेक भी कर लो, लो इसको दे लो, ठीक है कि नहीं। तो अभी इसके बाद अंदर इस वाले रूम में करना है पेंट शुरू। अच्छा क्या बोल रहे हो, कहाँ हूँ, घर घर आऊँ, अच्छा ठीक है। तो अभी पानी आ रहा है, तो इतना छोटा बच्चा मुझे आवाज़ मार रहा था, भैया भैया पानी छोड़ दो, और जब मैंने इससे पूछा कि क्या करना है तो फिर भूल गया क्या बोल रहा था फिर कुछ और बोल रहा था, तो अभी पानी आ रहा है तो सोच रहा हूँ पानी छोड़ देता हूँ इनको। तो दादी अभी एक समस्या के साथ आए थे, इनका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, मैंने फ़ोन ऑन कर दिया, दादी ये ना स्विच ऑफ हो गया था क्योंकि ये शायद इसमें ना सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा तो रिस्टार्ट हो रहा था, अभी थोड़ी सी बैटरी कम है, थोड़ी सी बैटरी होने दो इसमें। एक चीज आपको सूप पीना है, सूप बनाता हूँ मैं, नहीं, है ना नहीं, थोड़ा सा नहीं, मैं तो खुद भी ओवन में बनाया क्योंकि गैस में अभी बहुत डस्ट है ना रे परे, तो साफ जितनी मर्जी करो फिर डस्ट है। अच्छा केटल में, ओ हाँ मेरे को याद ही नहीं रहा। तो अभी मैं टॉप लेंटर आया हूँ क्योंकि एक घंटा हो गया है पानी खोले हुए, अगर ज्यादा टाइम पानी खुला रहेगा तो पूरी टंकी खाली कर देते बिना झिझक के, तो वो भी एक दिक्कत हो जाता है, पानी आता तो डेली, पर कई बार क्या होता है नीचे भी जो टैंकी है उसमें भी पानी नहीं होता, तो ऊपर भी पानी नहीं होता, तो दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा बहुत पानी रखना पड़ता है सेविंग में। तो आज मैं ही हूँ अब घर पे, दादी भी अभी कहीं पे गए, तो ऐसा हो जाता है दिलाइक निवास में कोई भी नहीं है, सिर्फ एक इकलौता अभी मैं ही हूँ पूरी बिल्डिंग में, तो अभी पेंट चला है मेरी मजबूरी है, मैं कहीं जा भी नहीं सकता, कुछ और दिखा भी नहीं सकता, इसीलिए आपको जो भी है व्लॉग मैं घर के ही दिखा रहा हूँ। और मेरे रूम में भी पेंट होने वाला है, थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा बहुत रह गया, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आई होप आज हो जाए कंप्लीट, ताकि एक किचन और रूम खाली हो जाए, सो दैट हम लोग सामान शिफ्ट कर ले और हॉल खाली कर दे, अब पता नहीं होगा कि नहीं आज। कहाँ मैंने सोचा था कि चलो हो गया, पानी बंद हो गया और सब कुछ सही हो जाएगा, बट पता नहीं क्यों जितना पानी दो उतना कम होता है, तो अभी फिर से पानी मांग रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे अपने ऊपर टैंक पे चेक करना पड़ेगा पानी है कि नहीं है, और उज्जवल के जो किराएदार है वो भी पानी मांग रहे फिर से, एक घंटा तो हो गया था बट अब समझ नहीं आ रहा, फिर से दे देता हूँ अगर टंकी में पानी हुआ, अगर नहीं हुआ तो जब भर जाएगी फिर देना पड़ेगा। तो ये वाली स्टेयर्स है जो ऊपर को जाती है यहाँ पे, तो यहाँ से जो है ना व्यू बहुत अच्छा आता है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो इस टाइम देखिए मैं टॉप पे हूँ, सबसे टॉप पे, ये वैसे टॉप है हमारा बट इससे भी टॉप सामने वाली जगह वो है, और यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू आता है, और हाइट बहुत ज़्यादा है तो सब कुछ दिखाई देता है आसपास, और ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है यहाँ एक पॉइंट से, अगर आपको ज़्यादा दूर तक दिखाई देना है तो हर पॉइंट पे जाना पड़ेगा, और अगर ये अगर एक्सट्रीम आगे जाना है तो ये भी एक पॉइंट है। एक्चुअली इस साइड को कुछ नहीं लगा सकते थे क्योंकि फिर अगर टंकी कभी निकालनी पड़ी बाहर तो दिक्कत हो जाएगा, तो मैं आगे जाता हूँ यहाँ से भी दिखाता हूँ आपको एक बार। ओह तो मैं यहाँ आगे पहुँच चुका हूँ, यहाँ से आगे दिखता है BCS, अगर आपको यहाँ से एंड तक देखना है नीचे तक के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पर यहाँ पे आना इज़ नॉट सेफ, थोड़ा सा रिस्की रहता है तो इतना ऊपर आते नहीं है, और सिर्फ पानी के लिए यहाँ पे आना पड़ता है इसलिए ऊपर आ जाते हैं, तो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। चाय का इंतज़ाम इस तरह है कि मैंने पानी में अदरक पहले ही मिला दिया है, और गैस अभी थोड़ी सी फ्री है तो मैंने सोचा इसमें चाय बना दूँ भाई लोगों के लिए। अब जैसे पेंट इसमें भी हो चुका है ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि हल्का सा पल्ला जो है ना वो यहाँ पे टच हुआ, तो ये पूरे पेंट में ही पेंट लग गया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है स्टार्टिंग में। तो इस सारे सामान के साथ मेरी चाय बन रही है यहाँ पे। तो ये है वो बंदर जिसे कोई डर नहीं। अच्छा हाँ क्या हो गया, गंदी बात, कल भी इसने दो बार मेरा डस्टबिन
खराब किया, सारा कूड़ा फेंका। अभी भी मैगी का पैकेट पता नहीं कहाँ से लगा दिया, और ये काफ़ी बूढ़ा भी हो गया है। ओह देखा आपने कैसे डरा रहा है। थोड़ा सा यही रहता है यहाँ पे ना मंकी का डर, कि ये डराते काटते भी है। ऐसे तो ये बुजुर्ग है बेचारा, पर चलो। देखा आपने क्या लुक दी इसने। अच्छा डर ही नहीं है इसको, बिल्कुल भी नहीं। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। जय बजरंग बली की। कोशिश तो ये कर रहा है कुछ, अब अगर इसने मुझ पे अटैक कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। पर ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इसे पता है इतनी एनर्जी मेरे अंदर है नहीं है, मैं वेस्ट क्यों करूँ। चले गए भाई साहब, बाय बाय। लो जी, मैंने ध्यान तो दिया ही नहीं, इसने दादी का डस्टबिन भी यहाँ पे जो है ना खोल के रख दिया। वाह यार, इनसे बचना थोड़ा मुश्किल है, पानी भी खोलना था मुझे। तो ये देखिए ये हाल है, हम करें तो क्या करें बताओ। तो भाई आज का काम हो चुका है कंप्लीट। किचन तो मैंने आपको दिखा दी थी, अब मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। तो आज रूम भी कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने इसमें कराया है ब्लू कलर का पेंट, लाइट ब्लू, क्योंकि टाइल्स भी इसी तरह से थी। तो इस तरफ दीवार में ये कलर है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करवाया है। आई होप थोड़ा सा मैचिंग जा रहा हो, एग्जैक्टली वो नहीं है जो सोचा था, बट फिर भी कहीं कुछ हद तक वो चीज़ बन चुकी है। तो चलो एटलीस्ट ये है कि कमरा थोड़ा सा अलग हो चुका है, यूनिक हो चुका है, देखने में भी मज़ा आएगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि बेसिक सफाई से शुरू करता हूँ। किचन में ये जो गन पड़ा है ये साफ करना है, और किचन लगभग जो है कंप्लीट हो चुकी है। किचन की रूफ में भी यही पेंट करवाया है जो किचन में है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले यहाँ ऊपर से शुरू करता हूँ साफ सफाई, ताकि कुछ बर्तन भी यहाँ रख सके, स्पेस खाली हो जाएगा। और हॉल पे भी करना है तो हॉल भी खाली करना है बहुत जल्दी हमें। हाँ जी, क्या बोल रहे जी आप? हाँ जी, बड़ा ना? बड़ा ही था दादी, एक्चुअली पता क्या है, साथ साथ में स्टेन्स भी लगे ना, तो मैं मंजन से इससे हटा रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है। हाँ जी वो तो ठीक है ना, थोड़ा पहले ना कि बड़ा पोचा ना पोचे से थोड़ा है, रखा है साथ में, रखा है बड़ा बाद में। नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। कोई नहीं, आप रेस्ट करो, मैं चकाचक कर दूंगा सब कुछ, आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपने चाय पीनी है? मैं तो पी है। एक या नाम इसमें तो अपना सामान लेके आओ। हाँ जी, अभी हम इसमें सामान शिफ्ट कर दूंगा ना मैं इसमें। हाँ। तो अभी थोड़ा सा पहले साफ कर लेते हैं किचन। हाँ। क्योंकि ये वाला एरिया तो हो चुका है। हाँ, 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 साफ सफाई करके ना। हाँ जी बढ़िया, तो अपना खाना पीना ढंग से हो गया, ऐसा नहीं है कभी। तो जी मेरी किचन हो चुकी है पूरी साफ, और मैंने जो है ये पूरे टाइल्स और यूटेंसिल स्टैंड, ये गीजर, ये एक्वागार्ड, और जो कुछ भी था इसका फर्श, ये सब कुछ एकदम चकाचक कर दिया, सारी शेल्फ को साफ कर दिया है ताकि इधर सामान रखा जाए। और एक मैंने कड़ी भी लगा दी है बनाने के लिए, ताकि कुछ खा भी सकूं। तो इसके बाद मुझे अभी बाथरूम भी साफ करना है, काफी सारा काम है। अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं खत्म करता हूँ। आई होप आपने थोड़ा सा एंजॉय किया हो, और मैंने कोशिश की कि इस ब्लॉग को मैं कुछ ना कुछ ऐड करता रहूं। मुझे नहाने भी जाना है, वॉशरूम भी साफ करना है, काफी सारे काम है। तो माफी चाहूंगा इतना ही शूट कर पाया मैं आज। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे अक्षित दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।